स्टार न्यूज आप तक में आपका स्वागत है। मैं पूर्णिमा विश्वास, बढ़ते हैं अपनी खबरों की ओर। तो हम चलते हैं पोर्टलर की बंगाली क्लब की ओर, जहां पर भारी वर्षा से शॉर्ट सर्किट होने के कारण एक बड़े से वृक्ष में आग लग गई। यह दुर्घटना लगभग रात्रि के 7:30 से लेकर 8 बजे के मध्य हुई, जिसके बाद विद्युत विभाग द्वारा बिजली कटौती की गई, फिर सभी मामलों को संभाला गया। तुरंत ही मौके में पहुंच कर ट्रैफिक पुलिस ने भीड़ को नियंत्रण किया तथा फायर ब्रिगेड वालों ने लगी हुई आग को काबू किया। इससे यातायात सुचारू रूप से चलने लगा। हमने इस विषय में प्रेम नगर साइट ऑफिस के जेई राकेश जी से बात की। आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता रोहित के साथ। नमस्कार, न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रोहित। इस वक्त हम खड़े हैं बंगाली क्लब के यहाँ पर, और जैसा आप सभी को पता होगा, कल जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा दिखाने के लिए, यहाँ पर इस पेड़ में जो भी इलेक्ट्रिक लाइन्स है उसके पीछे यहाँ पर कुछ यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुई, देन पेड़ पर आग लगी थी। तो हम आपको ये बता दें, ये करीबन 8 बजे ये हुआ था, और 8:30 बजे के टाइम में मैं खुद यहाँ पर आया था। तो उस समय यहाँ पर काफी अंधेरा थी, और उस समय हम रिपोर्टिंग नहीं कर सके। तो हम आपको ये बता दें, उस समय जब हमने देखा था वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के जई सर और पीडब्ल्यूडी के जो भी अधिकारी है वो लोग, और इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी मतलब अधिकारी है वो लोग, हमारे पुलिस प्रशासन के जितने लोग है वो लोग, ट्रैफिक पुलिस और फायर ब्रिगेड वाले, क्योंकि हम आपको ये बता दें यहाँ पर कल रोड को ब्लॉक कर दिया गया था, क्योंकि जब आग लगी थी तो पेड़ का कुछ एक हिस्सा गिरा भी था, तो उसके कारण यहाँ पर लोगों को यहाँ पर परेशानी हो रही थी करके ट्रैफिक पुलिस वाले ने यहाँ से रोड को डाइवर्ट कर दिया था। और रात को इतनी अंधेरे होने के कारण वो लोग यहाँ पर काम कर रहे थे, और इसके लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद कहता हूँ। तो आइए इसी विषय में हम अब जो इलेक्ट्रिसिटी के जो जई है प्रेमनगर के जूनियर इंजीनियर राकेश जी, हम इनसे बात करते हैं। आइए। नमस्कार सर, मैं राकेश सिंह, जूनियर इंजीनियर प्रेमनगर साइट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, कल आप रात को आए थे, हम भी आए थे यहाँ पे रात करीब 8 बजे करीब। ये जो हमारा हाई टेंशन लाइन 33 KV का है, जो कि ग्रिड कनेक्ट करता है, पोर्टलर पूरा कंप्लीट ग्रिड कनेक्ट करता है, इंक्लूडिंग फ्रॉम बम्बू फ्लैट एरिया से लेके यहाँ तक। ड्यू टू बैड वेदर कंडीशन के वजह से, ये जो काफी बड़ा पेड़ है, इसके कुछ डाली मतलब रफ वेदर की वजह से हमारा ओवरहेड लाइन से ऊपर आ गए थे, जिसके कारण शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई थी। तो मौके पे तुरंत फायर ब्रिगेड, पुलिस, म्यूनिसिपल इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, हम लोग सब पहुंच चुके थे। और क्योंकि फायर जो इंसिडेंट था काफी ऊपर हुआ था, तो उससे मतलब, और ये मेन रोड है, यहाँ पे काफी गाड़ियों का ट्रैफिक का आना जाना है, पब्लिक भी आती जाती है। लेकिन क्या है कि टाइमली सारे डिपार्टमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के सभी टीम यहाँ पे टाइमली पहुंच जाने के कारण कोई भी हादसा नहीं हुआ। आप भी यहाँ पे मौजूद थे, आपने भी देखा कि सब पहले रोड को बंद कर दिया गया पुलिस द्वारा, फायर ब्रिगेड ने मुस्तैदी से तुरंत काम करते हुए आग बुझाई, इलेक्ट्रिसिटी ने तुरंत लाइन बंद कर दिया, और सारे स्टाफ यहाँ पे मौजूद थे। कुछ 5 या 10 मिनट के लिए इंटरप्शन हुआ था, लेकिन उसको तुरंत ही रिकवर कर लिया गया था। और जैसे कि फिर उसके बाद, क्योंकि वेदर काफी खराब था, पेड़ काफी ऊंचा था, तो इसलिए इस काम को हमने रात को सेफ्टी ऑफ स्टाफ और बाकी सभी चीजों को ध्यान रखते हुए हम लोग रात को काम को हम लोग वहीं रोक दिए, आगे काम को नहीं किया गया, क्योंकि आगे करने से कोई एक्सीडेंट हो सकता था। इसलिए पुलिस द्वारा ये रोड को डाइवर्ट कर दिया गया था रात को, यहाँ पे पुलिस के स्टाफ, ट्रैफिक से स्टाफ यहाँ रह के, क्योंकि कोई हादसा ना हो जाए, इसलिए इस रोड को बंद कर दिया गया था, ठीक है। और फिर सुबह उसी के बाद, लेकिन क्या है कि ये टाई लाइन है, जो मतलब मेन 33 KV का लाइन होता है, ग्रिड कनेक्टिंग लाइन होता है, इस तरह हमारे पास 4 लाइन है, ऑप्शनल 4 लाइन है, तो जिसमें एक बंद हो गया था, लेकिन 3 लाइन हमारे चल रहे थे, तो जिसके वजह से कोई पावर इंटरप्शन नहीं हुआ, मतलब पोर्टलर सिटी में कोई तरह का पावर इंटरप्शन नहीं हुआ। लेकिन ये मेन लाइन होने के बावजूद भी, इसके ऊपर इतना मतलब एक्सीडेंट होने के लेकिन बावजूद भी कोई पोर्टलर में पावर इंटरप्शन इसके वजह से नहीं हुआ था। सर, हम आपसे इसीलिए ये पूछ रहे हैं क्योंकि आपको भी पता होगा कि पोर्टलर
मैं पोर्टब्लेयर में ही नहीं, पूरे अंडमान निकोबार में सारी जगह पर पावर कट्स हो रही है, तो आप इसके बारे में भी आप कुछ बताइए, क्योंकि लोगों का ये कहना है कि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के पास कमी है कुछ उपकरण का, इसी के कारण शायद ये हो रही है, तो इसके बारे में आप हमें क्लियर कट आप बताइए। नहीं, ऐसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के पास कोई भी तरह का कमी नहीं है जिसके वजह से पावर कट हो रहा है। हमारे पास एडवोकेट अमाउंट ऑफ इंजन है, हमारा सोलर सेल्स काफी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, और मतलब जितना रिक्वायरमेंट उतने हमारे पास कैपेसिटी अच्छी तरह से मौजूद है। लेकिन क्या है कि ये एक आइलैंड है, छोटा सा जगह है, तो जिसमें मतलब वेजिटेशन फॉरेस्ट ये काफी ज्यादा है, ठीक है ना, जिसके वजह और क्या होता है कि अभी वेदर चेंजेस काफी जल्दी होता है, मतलब क्योंकि ये इसका टॉपिक मतलब ऐसा जगह पे है जो समुन्द्र के बीच में, इसके मतलब क्या होता है वेदर काफी बहुत जल्दी चेंज होता है, बादल थोड़े देर में बारिश आना, सूरज कभी होता है कभी 15 दिन, जिसके वजह से क्या होता है कि कभी कल क्या वेदर के कारण से, जैसा आप कल देखा आपने पानी इतने देर से लगातार उसमें मतलब पेड़ पे गिर रहा था, तो बहुत देर के बाद वो पेड़ का डाली अभी बहुत दूर से आके लाइन पे गिर गया। लेकिन क्या है कि हम लोग इस जैसे अब होने के बावजूद भी, इतना कंस्ट्रेंट होने के बावजूद भी हमारे मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी नहीं, बाकी दूसरे डिपार्टमेंट जैसे फायर हो गया, पुलिस हो गया, म्युनिसिपल हो गया, ये सारे तुरंत मौके पे पहुंचे और इन सिचुएशन को फाइट करते हुए तुरंत मतलब जो भी पब्लिक और मतलब जो ये एरिया को तुरंत हमने पावर सप्लाई रिज्यूम किया, ठीक है। और जैसे अगर सपोज ये लाइन बंद हो गया था तो पावर सप्लाई को हम लोग, हमारे पास ऑप्शन है, हम दूसरे लाइन से भी उसको चला सकते हैं, तो और जितना हमारे पास लोड है प्रॉपर लोड है, बट ये है कि हाँ ठीक है थोड़ा सा मतलब क्योंकि वेदर कंडीशन इस मौसम में खराब हो जा रहा था, इसके वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। सर मैंने खुद आकर 8:30 बजे देखी थी, जैसा ये हादसा 8 बजे हुआ था, तो जब वो आग लगी थी वो क्लिप भी हमारे पास है और हमने खुद देखी, तो उसी समय आप लोग यहाँ पर पहुँच कर, साथ में फैक्ट्री कट वाले यहाँ पर पहुँच कर उन लोगों ने आग बुझाया और आप लोगों ने उसके बाद अपना काम करना शुरू किया, और यहाँ पर काफी अंधेरा थी, अंधेरा होने के कारण यहाँ पर ट्रैफिक के काफी प्रॉब्लम्स हो गई थी, तो पुलिस प्रशासन ने भी इस पर काफी मदद की है और रोड को डाइवर्ट कर बगल से लोगों को जाने को कहा, और जैसा आपने बताया कि आप लोगों ने भी रात को कुछ देर में काम खत्म करने के बाद देन सुबह को दोबारा काम शुरू किया, क्योंकि रात को यहाँ पर काम करने के लिए भी काफी तकलीफ है, क्योंकि हमने खुद देखा है कि काफी वो टॉप में आग लगी थी। तो सर इससे आप ये बता सकते हैं कि कुछ लाइन या और कुछ चीज का भी नुकसान हुआ है? नहीं, नुकसान हमारा ऐसा मतलब क्योंकि ये पेड़ और लाइन के बीच में आग लगी थी, लाइन जो है इंटैक्ट है, उससे कोई नुकसान नहीं हुआ। आपने जैसे कहा कि पुलिस डिपार्टमेंट फायर डिपार्टमेंट इमिडिएटली रश करके आवर यहाँ पे पहुंच गया, रोड को उन्होंने तुरंत ही ब्लॉक कर दिया, मतलब विद इन नो टाइम एकदम बहुत ही स्पेशली ट्रेंड पर्सन के हिसाब से उन्होंने तुरंत मतलब ऐसा काम किया जिसका मैं सही मतलब उनके लिए आभार व्यक्त करूंगा, पुलिस डिपार्टमेंट फायर डिपार्टमेंट जिन्होंने तुरंत हमारा मदद किया ताकि यहाँ पे कोई रोड पे कोई एक्सीडेंट ना हो सके। और आपने भी देखा यहाँ पे देखा कि कोई मतलब पब्लिक भी बहुत इस चीज को लेकर तुरंत एक्टिव हो गई और उन्होंने रोड से साइड से दूसरी जगह चले गया, लेकिन कोई भी मतलब इवन उसके बाद भी दूसरे म्युनिसिपल डिपार्टमेंट में हमको पोर्टब्लेयर म्युनिसिपल काउंसिल में हमारा तुरंत मदद किया, इलेक्ट्रिसिटी के सारे स्टाफ यहाँ पे मौजूद हो गए थे तुरंत, तो जिस वजह से सारे कलेक्टिवली एक्शन लेने के कारण यहाँ पे इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, और साथ में क्योंकि टीम तुरंत मौजूद थी यहाँ पे तो हम भी पावर को विद इन नो टाइम हमने रिज्यूम कर लिया। तो ये थे जूनियर इंजीनियर नगर साइट के साइट ऑफिस के मिस्टर राकेश जी, जैसा इन्होंने अभी बताया कि यहाँ पर क्या हुई थी, और आइए हम आपको न्यूज दिखाते हैं और आप भी देख कर बताइए हमें, और आपके पास अगर कुछ न्यूज है तो हमारा नंबर नीचे स्क्रॉल कर रहा होगा, आप हमें कॉल करके बता सकते हैं, तब देन आप हमारे साइट पर जा सकते हैं www.newsaptakandaman.com और न्यूज आप तक को आप NXT डिजिटल नेटवर्क पे भी देख सकते हैं, और इसी के साथ ही मैं रोहित कैमरामैन शाहिद के साथ न्यूज आप तक, धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आप तक, आप सच देखेगा अंडमान।